नमस्कार बच्चों बच्चों, आज हम एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस करेंगे। और एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस के बारे में आपने पहले सुना होगा, तो चलिए शुरू करते हैं। हम एक सेंटेंस देखते हैं, ये है एक्टिव वॉइस। सेंटेंस क्या है? मिस्टर संजीव टीचिस अस इंग्लिश। यहाँ पर आप क्या देखते हैं कि जब भी आप सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ आपको एक सब्जेक्ट मिलता है और एक क्या मिलता है, ये वर्ब है आपकी, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इस प्रकार हम सेंटेंस को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या देखते हो कि यहाँ पर एक कोई ना कोई वर्क जरूर होता है। यहाँ पर जो वर्क है वो टीचिंग का है। क्या है? टीचिंग का है। ये हमें वर्ब बताती है, और इस एक्शन को कर कौन रहा है? इसको कर रहा है सब्जेक्ट। कि ये जो एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, यह सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पर हम क्या, इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वह एक्टिव है। जो वर्क यहाँ पर किया जा रहा है वह सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है, तो वो एक्टिवली डूइंग द वर्क, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द एक्टिव वॉइस। अब सेकंड सेंटेंस देखते हैं हम कि पैसिव वॉइस क्या है। अब वही सेंटेंस है, अब यहाँ क्या है, इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय मिस्टर संजीव। अब यहाँ क्या है, जो हमारा पहले ऑब्जेक्ट था इंग्लिश, वो क्या बन चुका है, सब्जेक्ट बन चुका है। और जो वर्ब है वो भी पैसिव फॉर्म में है, वो अकॉर्डिंग टू रेलेवेंट जो रूल है उसके अकॉर्डिंगली इज टॉट हो गई है। तो टू अस बाय मिस्टर संजीव। तो यहाँ पर क्या है कि अब आप क्या देखते हैं कि जो सब्जेक्ट था वो अब ऑब्जेक्ट बन चुका है, और अब ये इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। पहले क्या था, मिस्टर संजीव इज डूइंग द एक्शन, एक्शन मिस्टर संजीव कर रहा था। अब जो वर्ब एक्शन बता रही है उस एक्शन को, जो संजीव है एज ए ऑब्जेक्ट, अब ये एज ए ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, तो वह उस एक्शन को रिसीव करता है, इसलिए इसको पैसिव बोलते हैं। कि यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो पैसिव फॉर्म में होता है, और हु, और वो जो एक्शन है परफॉर्म बाय द सेंटेंस, जो वर्ब है जो इस एक्शन को परफॉर्म करती है, उस एक्शन को रिसीव करता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पैसिव फॉर्म। तो आगे एक दो सेंटेंस और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, शी इज प्लेइंग चेस। तो शी क्या है, आप जानते हैं, शी सब्जेक्ट है, और इज क्या है हमारा, इज हमारा हेल्पिंग वर्ब है। उसके बाद प्लेइंग क्या है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing, और चेस क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जब भी हम एक्टिव वॉइस से, यहाँ पर एक्टिव कौन है, हमारा जो प्रोनाउन है शी, ये एक्टिव है, और शी डूइंग द एक्शन प्लेइंग, वो प्लेइंग जो है उस एक्शन को कर रही है, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो चेस है। तो अकॉर्डिंग टू हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को चेंज कर देते हैं किसमें, सब्जेक्ट में, तो ये सब्जेक्ट यहाँ आ जाता है। फिर उसके बाद क्या है, जो हमारी वर्ब है, वर्ब अकॉर्डिंग टू जो रेलेवेंट रूल है उसके अकॉर्डिंगली चेंज होती है। जो ये हमारी इज वर्ब है, ये रेलेवेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, मैं यहाँ रेलेवेंट रूल है RR का मतलब, जो रेलेवेंट रूल है उसके अकॉर्डिंगली इसको हम चेंज कर देते हैं। उसके बाद जो हमारी वर्ब है प्लेइंग, उसकी थर्ड फॉर्म आती है। क्या आती है? थर्ड फॉर्म प्लस बाय, फिर हम बाय का यूज करते हैं, और हमारा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट क्या था, शी, शी को चेंज कर देते हैं ऑब्जेक्ट में। और प्रोनाउन की एक, आप जानते हैं कि चेंजिंग, जब वो एज ए ऑब्जेक्ट वर्ब काम करता है तो उसको हमें चेंज करना पड़ता है, और जब वो एज ए सब्जेक्ट काम करता है तो उसे हमें तब भी चेंज करना पड़ता है। तो जो शी है, शी को हम चेंज किस में करते हैं, हर में करते हैं। ऐसे और भी हैं, ही है, ही को हम चेंज करते हैं किस में, हिज में करते हैं। अगर मैं आई की बात लूं तो आई को हम चेंज करते हैं किस में, मी में। अगर वी की बात की जाए तो वी को चेंज करते हैं किस में, अस में। ऐसे हम जो प्रोनाउंस होते हैं उनको भी चेंज करते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया बच्चों, कि हम जो एक्टिव और पैसिव वॉइस होता क्या है। तो उसके बाद यहाँ पर क्या जाए, जो हमारा सब्जेक्ट था वो क्या बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है। तो अब यहाँ क्या है, जो चेस है वह अब पहले ऑब्जेक्ट था, अब वह चेस क्या कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो चेस क्या है, ये फर्स्ट यानी कि सिंगुलर है, ये सिंगुलर के साथ जो रेलेवेंट रूल है, जब यहाँ पर इज है तो इज के साथ यहाँ इज ही आएगा, क्योंकि इज एम आर में से एक आना है, तो इज एम और आर में से अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा इज एम आर। आर नहीं आएगा, ये प्लूरल के लिए होता है, एम आई के साथ आता है, तो यहाँ पर इज आएगा, और इज के साथ आता है अकॉर्डिंग टू रूल बींग आएगा।
और उसके जो ये रूल हैं, रेलेवेंट रूल, इनकी हम आगे बात करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। अब तो हम थोड़ी एक आउटलाइन समझ रहे हैं कि ये बदलते कैसे हैं। फिर जो हमारी फर्स्ट वर्ब की फॉर्म थी, ये आई फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, उसको हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब ये क्या है, ये थर्ड फॉर्म है। और उसके बाद हम जब चेंज करते हैं, बाई ऐड करते हैं, और नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट था शी, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, शी, शी को हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू रूल, किसमें, हर में चेंज करेंगे, और ये यहाँ पर हर आ जाएगा। ऐसे हम एक्टिव से पैसिवो में चेंज करते हैं। अब इस चीज को हम अच्छे से समझते हैं डिटेल्ड में, तो नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों एक बात है कि एजुकेशनल वीडियोज हमेशा बोरिंग ही होती हैं, क्योंकि हमें उनसे पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना बच्चों को अच्छा लगता ही नहीं, परंतु फिर भी आपने ये वीडियो लास्ट तक देखनी है, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में, वह हमने बड़े डिटेल से यहाँ पर कराए हैं। तो आप अगर आप इन वीडियो को और जो सीरीज है उनको अच्छी प्रकार देखोगे, तो आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव जो है उनके अच्छे से सभी रूल समझ में आएंगे, और उसके बाद आप कोई भी एक्सरसाइज कर पाओगे। तो इसके अलावा हमारे चैनल पे और भी मैथ से, साइंस से, इंग्लिश से जो रिलेटेड वीडियो हैं उपलब्ध हैं। आप चैनल में देखोगे, सब्सक्राइब कीजिए, तो आपको उससे रिलेटेड वीडियो वहां मिल जाएंगी। तो चलिए बच्चों आगे चलते हैं। नेक्स्ट है रूल्स टू चेंज एक्टिव टू पैसिव। अब जो एक्टिव से जब हम पैसिव में चेंज करते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ रूल तो फॉलो करना पड़ेंगे ना, तो उन रूल्स की बात करते हैं। शी इज प्लेइंग चेस, ये सेंटेंस हमने पहले भी लिया था। शी क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, और ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये अकॉर्डिंग टू रूल चेंज होगी। ये प्ले क्या है, ये वर्ब है, इसकी हमेशा थर्ड फॉर्म बनेगी, जो वर्ब है उसके पास क्या है, प्लस ऑब्जेक्ट है। ये हमारी यहाँ पर सेंटेंस की फॉर्मेशन है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ये है, और लास्ट में क्या आता है, यहाँ लास्ट में फुल स्टॉप है। तो इसके अकॉर्डिंगली अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, हम उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो चलिए देखो, चेस इज बीइंग प्लेड बाय हर। अब यहाँ क्या हुआ है कि जो सब्जेक्ट था पहले, वो ऑब्जेक्ट बन चुका है यहाँ पर एज ए हर। पहले क्या था, ये शी था, परंतु एज ए ऑब्जेक्ट अब ये काम कर रहा है हर। तो हमने क्या रूल बनाया कि सब्जेक्ट को हम चेंज किसमें कर रहे हैं, सब्जेक्ट को चेंज करते हैं किसमें, ऑब्जेक्ट में। ठीक है, सब्जेक्ट क्या था आपका, शी, और अब वो एज ए ऑब्जेक्ट वर्ब कर रहा है, क्या है, एज हर। ठीक है, सेकेंडली है आपकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या थी, इज। हेल्पिंग वर्ब इज है, आप कहोगे भी हेल्पिंग वर्ब तो नहीं चेंज हुई, हुई है बच्चों। उसमें क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को चेंज करने के लिए, जो हमारा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, इसको हम इज के साथ इज एम आर और बींग का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने इसमें बींग को ऐड किया है, तो ये इज बींग में चेंज हुई है, हुई है। फिर नेक्स्ट था हमारा वर्ब। वर्ब को हमने बताया है कि जो भी हमारी फॉर्म है वो हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, जब भी हम पैसिव वॉइस करेंगे। तो यहाँ पर प्लेइंग थी, तो प्लेइंग की जो हमने वर्ब चेंज की है वो क्या बनी है, प्लेइंग की प्लेड बनी है। यहाँ पर वर्ब प्लेइंग थी, फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, इसको हमने चेंज किया है थर्ड फॉर्म यानी के प्लेड में। तो आपने देखा ये चेंज होता है वर्ब। फिर वर्ब के बाद, ये तो हमेशा ही होगा कि वर्ब के बाद हम ऐड करेंगे बाय, ये बाय आपने ऐड करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, प्लस एडिंग बाय। एडिंग बाय किया है यहां पर, ये बाय एडिंग हुआ है। और नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है आपका, कि जो आपका सब्जेक्ट था उसको हमने किसमें चेंज कर दिया है, ऑब्जेक्ट में, वो मैंने ऊपर भी लिखा है। और नेक्स्ट आपका चेस है, ये चेस क्या हुआ, ये सेंटेंस में जाके सब्जेक्ट बन चुका है। जो सब्जेक्ट था आपका, जो ऑब्जेक्ट था आपका, ऑब्जेक्ट क्या था आपका, वो था चेस, वो जाके सब्जेक्ट बन चुका है ये। तो ये केवल अब ये क्या है, चेस है। अब आप कहोगे ये चेस क्यों है, क्योंकि अगर कोई नेम है, हमारे पास नाउन्स है, नाउन इन नेम्स में है, तो उनको हम नहीं बदल सकते, केवल जो प्रोनाउंस है उनको ही बदला जाता है। वो भी इसलिए बदला जाता है क्योंकि नाउन्स को जब हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट करते हैं, तो एज ए सब्जेक्ट वो अलग तरह से काम करते हैं, जैसे यहाँ पर ये शी काम करता है। परंतु जब इसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में एज ए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, तो ये वहां अलग तरह से काम करते हैं, जैसे यहाँ पर हर लिखा हुआ है। पर अगर कोई भी
नेम है, यानी कि नाउन नेम है, तो तब उसको चेंज नहीं करते। यहाँ चेस था, चेस को हमने वैसे ही लिखा, इसको चेंज नहीं किया गया है। तो अब इसको बच्चों और डिटेल में समझते हैं। देखो जो हमने किया वो क्या है कि सब्जेक्ट शी, जो हमारे पास सब्जेक्ट शी था, उसको हमने चेंज किया किसमें, ऑब्जेक्ट में, एज हर। ऐसे ही हुआ है कि पहले जो सब्जेक्ट था उसको हमने चेंज कर दिया ऑब्जेक्ट में, एज ए हर। जब हम सेंटेंस में लिखेंगे तो लास्ट में लिखा जाएगा एज ए ऑब्जेक्ट। और वो प्रोनाउन है, प्रोनाउंस को हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द रूल। इस रूल की हम आगे बात करेंगे, उसके बारे में डिटेल से बताएंगे। अभी आप ये समझिए कि हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट को चेंज किया है किसमें, ऑब्जेक्ट में, और ऑब्जेक्ट क्या है, हर। अब ये हर क्यों बना, क्योंकि प्रोनाउंस को चेंज करने का एक रूल है जब उसको हम सेंटेंस स्ट्रक्चर में फिट बैठते हैं। नेक्स्ट है, हमने क्या चेंज किया है, ऑब्जेक्ट जो हमारा चेस था, यहाँ पर आपने देखा सेंटेंस में ऑब्जेक्ट चेस था, उसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, तब भी उसको हमने चेस ही लिखा है। क्यों लिखा है, बिकॉज इट इज द, अगर हम नाउंस की बात करते हैं, ये नाउंस का नेम है, और नेम ऑफ नाउंस को हम सेंटेंस में चेंज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि अगर रवि है किसी का नाम, वो चाहे एज ए सब्जेक्ट यूज किया जाए, चाहे एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया जाए, तो वो रवि ही रहेगा। अब चेस है तो वो चेस ही रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। अब ये देखो, अब जब हमने चेस यूज किया पहले, उसके बाद आपने शुरू में यही है कि चेस क्या है, आपका सब्जेक्ट बन चुका है। स्ट्रक्चर फॉर्म यही होती है कि पहले ये ऑब्जेक्ट था, अब ये सब्जेक्ट बन चुका है। अब सब्जेक्ट के बाद अब हम क्या करते हैं कि अब हम उसमें वर्ब की फॉर्म ऐड करते हैं कि अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो न्यू सब्जेक्ट, यहाँ शी लिखा गया है, आफ्टर न्यू सब्जेक्ट शी, ये गलत है। यहाँ आपका जो नया सब्जेक्ट है वो क्या है, चेस है। तो यही है कि आफ्टर न्यू सब्जेक्ट, जो आपका न्यू सब्जेक्ट बना है चेस, उसके अकॉर्डिंग जो रेलेवेंट हेल्पिंग वर्ब है वो आएगी। तो वो क्या आएगी, इज एम आर प्लस, जो इज एम आर प्लस बींग, और उसके अकॉर्डिंगली वो थर्ड फॉर्म का हम इस्तेमाल करेंगे। तो इज एम आर, और यहाँ पर बींग भी आएगा, इज एम आर बींग, क्योंकि इज एम आर के साथ जो, जब हम इसको रेलिवेंट वर्ब में चेंज करते हैं, तो वो इज एम आर बींग है। मैंने इसको आपके लिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ पर भी देख सकते हो। तो ऐसे हमने क्या किया, पहले हमारा सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट कौन सा है, जो पहले ऑब्जेक्ट था। उसके बाद क्या आया है, अकॉर्डिंगली जो हमारा अब नया सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज एम आर प्लस बींग आएगा। तो चेस क्या है, सिंगुलर है, तो उसके साथ इज आएगा, तो इज बींग ये आ चुका है। आप देखोगे यहाँ इज बींग है, ये चेस आ चुका है, हमने लिख दिया। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, पहले प्लेइंग थी, अब वो प्लेड बन चुकी है। फिर हम उसमें क्या ऐड करते हैं, बाय ऐड करते हैं। तो आफ्टर थर्ड फॉर्म प्लेड, बाय इज एडेड, हमने उसके बाद बाय एड किया है। और लास्ट में क्या किया है, जो हमारा सब्जेक्ट था, उस सब्जेक्ट को एज ए ऑब्जेक्ट यूज किया है, और उसका क्या बन चुका है, हर बन चुका है। तो ये आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया बच्चों, अब अगले सेंटेंसेज में ये आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो अब आगे चलते हैं। आगे जो हमने बात की थी कि जो चेंजिंग रूल है प्रोनाउंस के, वो कैसे काम करते हैं, कि हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस। अब एक हमारे पास जो है सेंटेंस स्ट्रक्चर रहता है, उसमें क्या है कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पास हम क्या बात क्या यूज करते हैं, कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, फिर वर्ब यूज करते हैं, फिर हम क्या यूज करते हैं, ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर क्या है कि जब हम प्रोनाउंस को यूज करते हैं इस स्ट्रक्चर में, वो एज ए सब्जेक्ट भी यूज होते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज किए जाते हैं। परंतु जब ये आपस में चेंज होते हैं तो ऐसा नहीं है, तो इनमें एक बदलाव आता है। वो जो चेंज आता है, वह चेंज यहाँ पर लिखा गया है। वो चेंज क्या है कि अगर आई एज ए सब्जेक्ट है तो उसको हम आई लिखेंगे, और अगर एज ऑब्जेक्ट है तो उसको हम मी लिखते हैं। और ऐसे ही इसका उल्टा होगा, ये एज ए सब्जेक्ट है और ये एज ए ऑब्जेक्ट है। अगर मान लो हम इस सब्जेक्ट को, मी को यहाँ एज ए लेके आएंगे सब्जेक्ट में, तो ये एज ए आई काम करेगा। अगर यहाँ लिखा जाए तो ये है, और वी को हम किस में चेंज करेंगे, अस में। ऐसे ही इसका अपोजिट होगा, अस को वी में अगर सब्जेक्ट बनाएंगे। ऐसे ही यू है, यू यू ही रहेगा, और जब इसको वापस लेके आएंगे एज ए सब्जेक्ट, तब ये ऐसे ही होगा। फिर ही को
हीज में ही को हिम में चेंज करते हैं, और जब वापस लेके आएंगे इसको तो ये ही होगा, शी को हर में, और हर का अपोजिट जो है वो जब एज ए सब्जेक्ट यूज करेंगे तो शी आएगा, और दे को देम में चेंज करते हैं, देम का अपोजिट क्या आएगा, दे आएगा, और होम को बाय होम में, ये थोड़ा सा अलग है, पहले आपने यूज नहीं किया होगा तो अब इसको आप देख लीजिए, अगर होम आएगा यहीं तो हम उसको बाय होम यूज कर लेते हैं, ठीक है, और हु भी आता है तो तब भी हम ये बाय होम ही यूज करते हैं, तो ये आपने दोनों बातें ध्यान रखनी है। आगे चलते हैं बच्चों, तो आगे ये हमारा एक सेंटेंस है, देखिए कि रूल्स जो हैं कि पहले हम एक 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 जब हम चेंजिंग रूल्स की बात करेंगे तो हम एक एक हमारे जो टेंसेज हैं उनको लेके चलेंगे, और उनकी जितनी फॉर्म्स होती हैं, जो हमारे पास एजल्टिव है, नेगेटिव है, इंटेरोगेटिव है, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म्स होती है, उनको सेंटेंसेज को हम सोल्व करते हुए चलेंगे। तो इस प्रकार यह है, 2, 3 या 4 वीडियो में आपके जितने एक्टिव वॉइस है और पैसिव वॉइस हैं वह कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस क्या है। तो अब आप देखो कि रवि लाइक्स ऑरेंजेस, अब रवि है, रवि सब्जेक्ट है, लाइक्स हम जानते हैं कि जब भी हम प्रेजेंट इनडेफिनेट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद हम फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, एस या ई एस का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, कि अगर वहां पर वो सब्जेक्ट सिंगुलर है, सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है फिर तो फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, और उसके बाद हम क्या यूज करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ये हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर है किसके लिए, प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस के लिए। तो यहाँ पर रवि क्या है, रवि इज वर्किंग एज ए सब्जेक्ट, यहाँ पर लाइक्स क्या है, ये वो आपकी वर्ब की फॉर्म है, और उसके बाद ये है ऑब्जेक्ट है। तो अब आप इजिली जानते हो कि अब क्या है, हम इसको जो हमारा ये ऑब्जेक्ट है इसको किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, तो अब जब इसको सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो ऑरेंजेस है, ये नेम है, इट इज द नेम ऑफ अ थिंग, तो जब ये नेम है ये चेंज नहीं होगा तो ये ऑरेंजेस शुरू में ऐसे ही आ जाएंगे, जब ऑरेंजेस को हम शुरू में ऐसे लिखेंगे तो ये प्लूरल फॉर्म में है, तो इसके साथ जो लाइक्स का रूल है वो क्या है कि ये हमारी जो प्रेजेंट इनडेफिनेट में हम क्या है फर्स्ट फॉर्म को, फर्स्ट फॉर्म, और उसके साथ हम एस या ई एस का यूज करते हैं, तो इसको हम किस में चेंज करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं इज एम आर में, और जो वर्ब है फर्स्ट फॉर्म है वो चेंज हो जाएगी प्लस थर्ड फॉर्म में, ये आपने ध्यान रखना है, तो ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लग जाएगी यहाँ पर, ये इस प्रकार हम जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस है उसको चेंज करते हैं। तो अब हम मैंने बात की थी ऑरेंजेज की, ऑरेंजेज क्या है, प्लूरल है, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, आर, तो आर आएगा, फिर लाइक की जो थर्ड फॉर्म है वो लाइक बन जाएगी, और बाय रवि, ये आपका सेंटेंस बन जाएगा। तो देखिए बच्चों, पहले इस जो हमारा रूल है उसको समझते हैं कि सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि कैसे है, सब्जेक्ट क्या है, रवि है, रवि सब्जेक्ट है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ई एस लगा है तो ये लाइक्स है, क्योंकि अगर आपका जो फर्स्ट फॉर्म है, जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है, तब हम एस या ई एस का यूज करते हैं, अब एस और ई एस अकॉर्डिंग टू वर्ब लगता है, किसी वर्ब के साथ एस लगता है, किसी वर्ब के साथ ई एस लगता है, वो आपने जो चेंज करने के रूल हैं उनके अकॉर्डिंग समझना है, और फिर आपका ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, ऑरेंजिज है, क्या है, ऑरेंजिज है, क्या है, ऑरेंजेस, और बाद में क्या है, फुल स्टॉप। तो ये आपकी स्ट्रक्चर फॉर्म, अब इसको हम क्या चेंज करेंगे, चेंज करने के लिए ऑरेंजेस आर लाइक्ड बाय रवि, अब हमने क्या किया, वही बात है कि जो आपका पहले ऑब्जेक्ट था उसको हमने एज ए सब्जेक्ट चेंज कर दिया, अब ये न्यू सब्जेक्ट है तो ये सब्जेक्ट है, साथ में मैं यहाँ पर एन भी लिख रहा हूँ कि ये नया सब्जेक्ट है आपका, पहले यह एज ए ऑब्जेक्ट था, अब ये प्लूरल है, क्या है, ऑरेंजेस प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंगली यहां से इज एम आर, ये मैंने लिखा है बराबर में, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, अब जब ओरेंजेज आपके प्लूरल हैं तो यहां पर क्या आएगा, आर आएगा, प्लस में क्या आएगा, ये आर लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही यूज होगी,
और फिर बाय इस्तेमाल करते हैं, और बाद में आपका जो सब्जेक्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, इसे हम ऑब्जेक्ट बोल लेंगे। और मैंने यहाँ पर एन लिख दिया है, इट इज योर न्यू ऑब्जेक्ट, ये आपका नया ऑब्जेक्ट है, क्योंकि इट्स द नेम, इट इज द पर्टिकुलर नेम ऑफ अ थिंग और अ पर्सन और अ प्लेस। जब ये हम पर्टिकुलर नाउन की बात करते हैं उसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि रवि रवि ही रहेगा, इसलिए जब हमने इसको सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट में चेंज किया तो ये रवि ही है। नेक्स्ट देखते हैं कि अब ये जो हमने यहाँ यूज किया है सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये एक्चुअल में है क्या? पहले क्या था कि जो आपका ऑब्जेक्ट था उसको हमने सबसे पहले लिखा, यही लिखा ना, ऑब्जेक्ट क्या था पहले? ऑरेंजेज था, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको लिखा है, ये ऑरेंजेज है। प्लस इज एम आर में से एक आना है। अब आपने ऑरेंज को देखना है, नया जो आपका सब्जेक्ट है वो ऑरेंजेज बना है, तो इसके अकॉर्डिंगली इज एम आर में से यहाँ पर आर आएगा। फिर थर्ड फॉर्म, इसको तो पता ही है, बस वहां पर लाइक था तो यहाँ पर लाइक आ जाएगा, ये थर्ड फॉर्म होगी आपकी। फिर बाय आना है, ये बाय, और अब आपने जो उधर आपका सब्जेक्ट था पहले वाला, अब वो न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है। मैं इसको ये भी लिख दूंगा, इट्स योर ऑब्जेक्ट न्यू ऑब्जेक्ट, या इसे आप सब्जेक्ट जैसे मर्जी समझिए, आपने मेन बात है इसको समझना है कि जो पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट था वो शुरू में था, अब उसको हम एज ए ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, इसलिए सब्जेक्ट लिखा गया यहाँ, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाओ। तो अब वहां पर सब्जेक्ट क्या था? रवि, वह रवि अब एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, तो ये आपका कंप्लीट सेंटेंस बन जाएगा, ऑरेंजेज आर लाइक्ड बाय रवि। तो इस प्रकार हम इनको चेंज करते हैं। ये हमारा कौन सा सेंटेंस था? ये अजर्टिव था, ये सिंपल सेंटेंस था। अब नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नेगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखो कैसा है, कि रवि डज नॉट लाइक ऑरेंजेस। अब इसमें क्या है, डू और डज का इस्तेमाल भी किया गया है और साथ में नॉट लगा है, और फिर वैसे ही वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये क्या स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है बच्चों? यहाँ पर सब्जेक्ट है रवि, फिर साथ में डू और डज लगना है, रवि सिंगुलर है तो यहां पर क्या लगेगा? डज लगेगा, आई और प्लूरल के साथ डू लगता है, फिर नोट आएगा, नोट आ गया वहां पर, देखो वैसे ही जैसे सेंटेंस ऊपर। फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो लाइक है, लाइक आ गया। फिर नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट वो है ऑरेंजिज, ऑरेंजिज आपका ऑब्जेक्ट है, बाद में फुल स्टॉप आ गया, तो ये आपका सेंटेंस है। ये जब हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो वहां पर ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, कि उस स्ट्रक्चर को हम ऐसे लिखते हैं कि सब्जेक्ट आता है, उसके बाद डू और डज में से आएगा, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आता है। यहाँ पर रवि कैसा है? सिंगुलर है, तो इसके साथ हम क्या लगेंगे? डज का यूज करते हैं। अगर प्लूरल या आई होता तो हम क्या यूज करते? डू का यूज करते। फिर नॉट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जब हम डू और डज यूज करते हैं तो वहां हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट, वो आएगा ऑरेंजेज। अब आप देख चुके हो कि ये क्या है, ये हमारी नेगेटिव फॉर्म है। अब इसको हम चेंज कैसे करेंगे? चेंज करेंगे वही जो हमारा रूल रहता है, कि जो पहले हमारा सब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो पहले ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ये जो ऑरेंज है हमारा पहले ऑब्जेक्ट था, इसको हमने एज ए सब्जेक्ट यूज किया है, ये वो है जो पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है। फिर ऑरेंजेज क्या है, कैसे हैं ऑरेंजेज? सिंगुलर हैं या प्लूरल हैं? ये प्लूरल हैं, तो इनके अकॉर्डिंगली इज एम आर में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? आर ही आएगा। फिर नॉट लगना है, क्योंकि ये सेंटेंस की फॉर्मेशन है। थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म क्या है? वो लाइक्ड है। फिर बाय का यूज करते हैं, ये बाय आ जाएगा। फिर जो हमारा पहले सब्जेक्ट था वो अब एज ए ऑब्जेक्ट काम करेगा, वो है रवि। तो ऐसे हमने सेंटेंस को कन्वर्ट कर लीजिए, और इसके लिए हमने किस फॉर्मेशन का यूज किया है वो ये है, ऑब्जेक्ट, कि जो आपका पहले ऑब्जेक्ट था उसको हमने यहाँ शुरू में लिख दिया, और ऑब्जेक्ट क्या था आपका? आप देखिए वहां पर क्या है ऑब्जेक्ट, ये ऑरेंजेस क्या है ऑब्जेक्ट, मैंने यहां पर भी लिखा है, और इस सेंटेंस में आप डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले क्या आएगा? ऑरेंजेस यहां पर आएगा, ये ऑरेंजेस। उसके बाद जो रूल है इज एम आर
में से किसी को लेना है, जब हम प्रेजेंट इनडिफिनेट डेफिनेट टेंस को चेंज करते हैं तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आती है। तो यहाँ पर इज एम आर में से आर आएगा, क्योंकि ऑरेंजेज क्या है, ये प्लूरल है। फिर नॉट आएगा और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लाइक है, तो लाइक की थर्ड फॉर्म क्या बनेगी, लाइक्ड, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। उसके बाद हम बाय का यूज करते हैं, एडिंग बाय, एंड जो हमारा पहले सब्जेक्ट था इट विल वर्क एज ए ऑब्जेक्ट, और वो सब्जेक्ट क्या था, वो था रवि। तो इस प्रकार ये है, जो सब्जेक्ट में लिखते हैं इसे हम न्यू ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये न्यू ऑब्जेक्ट है और ये आपका न्यू सब्जेक्ट है। जैसा भी आपको समझ में आए उसके अकॉर्डिंगली आप उसको लिख लीजिए, लिखने के लिए कोई खास बात नहीं है, मेन तो आपको जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो समझना है। तो ये हमने पहले बात की थी अजर्टिव सेंटेंसेज की, अब बच्चों हमने जो हल किया है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट क्या होता है आपका, इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है। तो अब हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे, उसी सेंटेंस को दोबारा लेते हैं। अगर हमें इसको इंटेरोगेटिव क्वेश्चन बनाना है इस सेंटेंस का, तो क्या है, डज रवि लाइक ऑरेंजेस, तो जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो क्या है प्रेजेंट इनडेफिनेट में, वो डू और डज आएगा शुरू में, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये क्या है, ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है किसके लिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए, और बाद में क्वेश्चन मार्क भी आता है, ये तो आप अच्छी तरह जानते हैं। तो ये हमारी क्या है, फॉर्मेशन है। तो चलिए इसको दोबारा अच्छे समझ लेते हैं। डू डज आएगा शुरू में, फिर प्लस में सब्जेक्ट आएगा, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहां पर क्या आ गया, डू और डज में से आ गया है। तो डज क्यों आया है, क्योंकि रवि क्या है, वो सिंगुलर है, उसके साथ डज आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट रवि है, तो यहां पर डज आ गया है, और डज के बाद सब्जेक्ट आपका रवि है, रवि के बाद हमेशा ही यहाँ पर डू डज के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी, वो लाइक है, और लाइक के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है आपका, ऑरेंजेज है, तो और बाद में आपका क्वेश्चन मार्क आएगा, बाद में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी क्या है, सेंटेंस की फॉर्मेशन है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब इसको चेंज करेंगे, चेंज करने का वही है कि जो आपका सब्जेक्ट है, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जो सब्जेक्ट है वो एज ए ऑब्जेक्ट वर्ब करेगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो एज ए सब्जेक्ट वर्ब करेगा। तो एज ए सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, ऑरेंजेज बन जाएगा, ऑरेंजेज शुरू में आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या है कि आपका जो वर्ब की फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, और इज एम आर में से जो भी अकॉर्डिंग टू हम सब्जेक्ट यूज करेंगे वो शुरू में आएगा। तो यहाँ पर ऑरेंजेज की बात है, ऑरेंजेज क्या है, एज ए सब्जेक्ट यूज किया जा रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हमें शुरू में क्वेश्चन मार्क बनाना है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो क्या आएगा, आर आएगा। तो यहाँ पर इज एम आर में से एक चीज आएगी, फिर आपका जो है नया सब्जेक्ट आएगा, न्यू सब्जेक्ट या इसे ऑब्जेक्ट, जैसा भी आपको ठीक लगे, ये न्यू सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, फिर बाय को ऐड करेंगे, ये बाय ऐड कर दिया, और जो पहले आपका सब्जेक्ट था वो है ये, और अब ये न्यू ऑब्जेक्ट बन चुका है, क्या है ये इट्स द न्यू ऑब्जेक्ट। तो हमने इसको कैसे इस्तेमाल किया है ये देखते हैं, कैसे यूज किया है, कि जब भी हम प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो शुरू में क्या आएगा, इज एम आर आएगा, क्या आएगा, इज एम आर, तो उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट पहले क्या था सेंटेंस में, ऑरेंजेज था, तो ऑरेंजेज के अकॉर्डिंगली ही इज एम आर लगेगा। तो इज सिंगुलर के साथ आता है, एम आई के साथ आता है, तो आर किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ आएगा, तो यहाँ पर आर आएगा, इसलिए हम यहाँ पर आर यूज करेंगे। फिर हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ऑरेंजेज है, तो यहाँ पर ऑरेंजेज ऑब्जेक्ट लिखेंगे। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखेंगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, लाइक है, और लाइक का क्या बन जाएगा, लाइक्ड, ये लाइक थर्ड फॉर्म बन जाएगी। उसके बाद हम बाय ऐड करेंगे, और जो हमारा पहले
सब्जेक्ट था वो एज ए ऑब्जेक्ट यूज होगा यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा है हमने। और वो कौन है? रवि। रवि एक कैपिटल होगा यहाँ पर क्योंकि ये पर्टिकुलर नेम है। और दूसरा क्या है कि जो भी नाउन है, नाउन नेम्स होते हैं, उनको हम चेंज नहीं करते। नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ थिंग, नेम ऑफ प्लेस। और बाद में क्या आएगा आपका यहाँ पर, ये क्वेश्चन मार्क आएगा। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब इसी की एक फॉर्म और रह गई है बच्चों, वो फॉर्म क्या है? वह है प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस इंटेरोगेटिव नेगेटिव। हमारे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस होते हैं वो इंटेरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी ऐड किया जाता है। जल्दी से देखते हैं सेंटेंस क्या है। डज रवि नॉट लाइक ऑरेंजेस? यहाँ पर जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वह क्या है? शुरू में डू और डज है, डू डज का यूज किया गया है, और उसके बाद हमने क्या यूज किया है, फिर सब्जेक्ट है, फिर उसके बाद नॉट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और प्लस में क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। यही सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसका हम यूज करते हैं। तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, मैंने इसको दोबारा आपके लिए लिख दिया। डू और डज शुरू में आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नॉट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर ये ऑब्जेक्ट आता है। ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर या सेंटेंस फॉर्मेशन है किसके लिए? प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस के लिए। अब जब इसको हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका सब्जेक्ट बन जाएगा और जो सब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट बन जाएगा। फिर उसी के अकॉर्डिंगली हम वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए जरा उसे कन्वर्ट करते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वाला है। तो सब्जेक्ट पहले क्या था? रवि। और अब नया सब्जेक्ट क्या है? ऑरेंजेस। तो ऑरेंजेस के अकॉर्डिंग इज एम आर में से कुछ लगेगा, तो इज एम आर में से क्या लगेगा? आर लगेगा क्योंकि ये प्लूरल है। फिर थर्ड फॉर्म आएगी ऑरेंज, आर ऑरेंजेस, यहां पर ये नहीं लिखा गया है गलती से, नॉट लाइक्ड बाय, तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूं। यहाँ पर क्या आएगा? इज एम आर में से एक आएगा, तो आर आएगा क्योंकि ऑरेंजेस क्या है? प्लूरल है। फिर ऑरेंजेस आएंगे, ऑरेंजेस। फिर आपका क्या आएगा? नॉट, नॉट के बाद आएगा थर्ड फॉर्म लाइक्ड, फिर बाय रवि, लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। तो ये ऐसे होगा, यहाँ पर बाय चांस ये नहीं लिखा गया। जब प्रिंटिंग करते हैं बच्चों गलती हो जाती है, तो इसे नहीं लिखा गया है। तो इसको देखते हैं, इसकी रियल फॉर्म क्या है? रियल फॉर्म ये है कि इज एम आर में से एक आएगा, तो यहां पर क्या आएगा? आर। क्यों आया है? क्योंकि ये हमारे पास जो नया सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, उसके बाद ऑब्जेक्ट जो बना वो था हमारा ऑरेंजेस, फिर नॉट आएगा, नॉट के बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, यहां पर वो लाइक है, उसकी बनेगी लाइक, तो ये लाइक्ड। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बाई ऐड करेंगे, और जो नया सब्जेक्ट है वो क्या है आपका? रवि है, और रवि के बाद आपका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब यह है आपका नया सेंटेंस बन चुका है, आर ऑरेंजेस नॉट लाइक्ड बाय रवि क्वेश्चन मार्क। तो ऐसे क्या है, यह है आपका इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है बच्चों। तो अब हमने क्या किया था, हमने आज एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के बारे में जाना है। जो प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस हैं उसकी जो चार फॉर्म है, जो अजेक्टिव सेंटेंसेज हैं, जो नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव नेगेटिव हैं, उनकी एक्सरसाइज की है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें हम आपका अगला टेंस लेके आएंगे और उसके बारे में समझेंगे। आपने इस वीडियो को एक से दो बार अच्छी प्रकार से देखना है और आप इसको समझ जाएंगे। बच्चों हमारे चैनल पर क्या है, और भी एजुकेशनल वीडियो उपलब्ध हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तो जो आगे में भविष्य में और वीडियो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। एक बात और एक मैसेज और आपको आपको देना चाहूँगा कि जितनी भी एजुकेशनल वीडियोज होती हैं वो हमेशा बच्चों को बोरिंग ही लगती हैं, परंतु बच्चों बेशक ये बोरिंग लगे हमें कुछ ना कुछ सिखाती जरूर हैं। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और इससे आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।